तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज हमारे पास MSI का B550, ठीक है, B550 गेमिंग प्लस, ठीक है। पैकिंग सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है पैकिंग में। पैकिंग एज यूजुअल। कुछ कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सेम मिस्टिक लाइट, RGB कंट्रोलर, जो मिस्टिक लाइट है MSI का, ये GB LED कंट्रोलर ऑन ऑफ, ठीक है। प्री इंस्टॉल आयो शील्ड, अरे यार आयो शील्ड देते हैं इसमें, बताओ इतने महंगे मदरबोर्ड में आयो शील्ड देते हैं एक्स्ट्रा से, ये नहीं कि अंदर लगा के छोड़ो, क्या बोले। एक्सटेंडेड हीट सिंक M2, अच्छा इस सब में एयर फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। फोर बूस्ट DDR4 बूस्ट, ये बूस्ट का क्या मतलब है? 48,000 थोड़ी चला देगा तू, कोई नहीं। लाइटनिंग Gen 4, चलो इसमें Gen 4 सपोर्ट है तो होगा ही, B550 तो सुबह अच्छी बात है। PCIe Gen 4 ऑडियो बूस्ट, इसका नहीं पता। फ्लैश बाय बटन, चलो ये अच्छा चीज़ है। बायोस बटन, अगर मान लो तुम्हारा बायोस मान लो गलती से वो हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक नहीं बीच में रुक जाता है, तो तुम इसका मतलब उठ के पिछला बायोस खुद ही फ्लैश कर सकते हो बटन दबा। अच्छी चीज़ है, खोलते हैं देखते हैं अंदर क्या सामान निकलता है। बच गया मेरा हाथ, मॉनिटर से दूर भाई। अच्छा इसको हटाते हैं, अंदर क्या है? सीडी, ये क्या है? थैंक यू नॉट ऑल कंपैटिबल बिटवीन MSI कंपोनेंट, इसका कोई नहीं है। किताब, ठीक है। अरे भाई साहब, दस्तावेज बहुत है। क्या ये केस स्टैंड ऑफ नोटिफिकेशन, ये क्या है? क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, अच्छा फैन इंस्टॉलेशन दे रखा है उन्होंने। ओ भाई अच्छा है। अरे किताब ही तो, एक बात बताओ फिर, किताब में क्या होगा भाई? किताब क्यों नहीं है इसमें? जब क्विक दे दिया इसमें क्या डिटेल में होगा? हो सकता है क्या है भाई? सीडी कोई जरूरत नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं है, देखते हैं किताब में क्या है। फिर जिन इसमें थे, अच्छा इन्हें बायस के बारे में रखा हो, चलो कोई नहीं। ये पता होना चाहिए ना, इसमें क्या हो जाता है अक्सर लोगों को पावर पावर प्लस पावर माइनस लगाने में दिक्कत होती है। चलो ये स्टिकर अच्छा है, ये अच्छा है, साटा अच्छा है। ये क्या है? कुछ नंबर, अच्छा ये M.2 की, हाँ NVM M.2 की स्लॉट्स के पिन है, काम किए हैं ये। देखो MSI गेम मेड फॉर गेमर्स एंड क्रिएटर्स, ओके। विक्टर्स विक्टर्स ये किसी काम के नहीं, ठीक है भाई उठाओ इनको। चलो जा रहा हूँ मैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में एज यूजुअल कुछ खास तो ऐसा नहीं है। अच्छा ये भाई क्या बात है, टीप भी में सही बनाता है, वेरी रियलिस्टिक। अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई ब्रांड नहीं, स्टिकर स्टिकर लगे हुए हैं मदरबोर्ड ऐसा, मतलब मेरा आसूस जैसा नहीं है, बस सिमिलर ही है, मतलब मदरबोर्ड सेम दिखते हैं लेकिन थोड़ा वैसा नहीं, जितना पैसा लगा ना उस हिसाब से थोड़ा हैवी पना नहीं है मदरबोर्ड का, लेकिन हाँ हीट सिंक वाइज थोड़ा सा है हुआ ये। कुछ प्री इंस्टॉल आयो शील्ड, ऐसा चलो अच्छा है, प्री इंस्टॉल आयो शील्ड कुछ तो दिया, अच्छा अच्छा है यार, बुरी नहीं है। चलो लगाते हैं इसको, इनको लगाते हैं, इनको लगाते हैं फिर बताते हैं क्या परफॉर्मेंस, ठीक है। ऐसा कुछ तो है मेरे पास, इसको रेयर ही लगाऊंगा, अब देख ही लो, लगाने का तो कोई सीन लग नहीं रहा मेरे को, ठीक है। वैसे मदरबोर्ड तो ठीक ही ठाक है, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे को, नॉर्मल लग रहा है, इतना पैसा लगाने के बाद कुछ ज़्यादा कैजुअल सा दिख रहा है। थोड़ा सा तो इसका दिखना चाहिए था, यहाँ कुछ हो थोड़ा सा भरा भरा, यहाँ कुछ हो लाइट वाइट, जलता नहीं सिर्फ ये जलता है, RGB में सिर्फ ये जलेगा और ये नहीं जलेगा, ये सब नॉर्मल ले लेगा, तो फिर क्या मजा, 10,000 का मदरबोर्ड ले लो यार कोई। चलो कोई ना, डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है लेकिन हाँ है भी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में, तब तक के लिए।